आज जब विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 30% आबादी तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, तो ऐसी स्थिति में महासागर उनके लिए खाद्य पदार्थों का प्रमुख स्रोत साबित हो सकते हैं। यही नहीं, महासागर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया और इसके बाद से हर साल 8 जून को पूरा विश्व महासागर दिवस मनाता है। यह दिवस सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व यहाँ उपस्थित वायुमंडल और महासागरों के कारण ही संभव हो पाया है। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले अथाह जल का भंडार होने के साथ ही महासागर अपने अंदर और आसपास अनेक छोटे छोटे नाजुक पारितंत्रों को पनाह देते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पनपती हैं। तटीय क्षेत्रों में वनस्पतियों से संपन्न वन समुद्र के अनेक जीवों के लिए नर्सरी बनकर विभिन्न जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। अपने आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों को संजोए हुए हैं। महासागर पृथ्वी के सबसे विशालकाय जीव वेल से लेकर सूक्ष्म जीव को रहने के लिए ठिकाना मुहैया करते हैं। एक अनुमान के अनुसार समुद्रों में जीवों की तकरीबन 10 लाख प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन महासागरों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बनता जा रहा है। अरबों टन प्लास्टिक का कचरा हर साल महासागर में डुबो दिया जाता है। आसानी से नष्ट नहीं होने के कारण यह कचरे सदियों तक महासागर के तल में जस के तस पड़े रहते हैं। अकेले हिंद महासागर में भारतीय उपमहाद्वीप से पहुंचने वाले भारी धातुओं और प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा प्रतिवर्ष करोड़ों टन है। विषैले रसायनों के रोजाना मिलने से समुद्री जैव विविधता भी प्रभावित होती है। इन विषैले रसायनों के कारण समुद्री वनस्पति की वृद्धि पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं सब बातों पर ध्यान देते हुए पिछले कुछ सालों से चेन्नई के कासीमेड़ू क्षेत्र के युवा मछुआरों की टीम उत्तरी चेन्नई के समुद्र तटों की लगातार सफाई कर रही है। युवाओं की यह टीम अब तक 30 टन कचरा इकट्ठा कर चुकी है। यह टीम समुद्र के प्लास्टिक प्रदूषण पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की एक वृहद योजना भी बना रही है। टीम के सदस्यों का कहना है कि लोग जिस लापरवाही से समुद्र में प्लास्टिक, धातु और अन्य कचरे फेंकते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इनसे जलचरों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। हमारे समुद्रों की जलराशि में फेंके गए कचरे इतने खतरनाक होते हैं कि ये केवल मछलियों को ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिटा सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले परितंत्रों में महासागरों की उपयोगिता को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम महासागरीय परितंत्र के संतुलन को बनाए रखें, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।